दोस्तों जून जुलाई के इस गर्मी भरे मौसम में एक जड़ी बूटी ऐसी भी होती है जिसका प्रयोग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। या तो अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, आपकी हड्डियां दुखती हैं, इसके अलावा अगर आपको शरीर में कमजोरी महसूस होती है, और इसका जो एक बहुत ही बड़ा खास प्रयोग है वो आपको किसी भी तरीके से यदि मूत्र विकार है, मतलब कि यदि आपको बार बार पेशाब आता है, ड्रॉप्स में यूरिन आता है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को गर्मियों में यूरिन के साथ ब्लड भी आने लगता है, तो आप इन सारी दशाओं में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे बीजबंध के बारे में। ये मेरे पास बीजबंध के बीज हैं और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, देखने में काले रंग के, इनका स्वाद फीका होता है, तासीर से ठंडे, और ये हजम होने में थोड़ा वक्त लगाते हैं, मतलब ये दीर्घ होते हैं। तो ये तो हुई बीजबंध की बात। इसके अलावा इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं, कहीं पर इसे बरियार, बरियारी, खरेटी, लेकिन मुख्यतः जो इसका नाम इस्तेमाल में किया जाता है वो या तो बीजबंध या खरेटी, इन दो नामों से ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इसका उपयोग कौन सी बीमारी में किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो मूत्र संबंधी विकार हैं, जो पेशाब से यूरिन से संबंधित जो विकार हैं, पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको बार बार पेशाब आता है, ड्रॉप्स में यूरिन आता है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप ये बीजबंध या ये खरेटी लें, इस खरेटी में समान मात्रा में मिश्री मिला लें और दोनों को मिला के पीस लें। अब आप इसका सेवन एक चम्मच दिन में एक बार करें। यदि आप इस तरीके से खरेटी के बीजों का सेवन मिश्री के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये जो बार बार यूरिन आने की समस्या थी, जो आपको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आता है, तो ये समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यूरिन में कुछ ब्लड की ड्रॉप्स आती हैं, पेशाब में खून आता है, तो वो इससे निजात पाने के लिए बीजबंध का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए वो क्या करें, जो बीजबंध का पौधा होता है उसकी जड़ लें और जड़ की छाल उतार लें, उस छाल को उबाल कर वो काढ़ा बनाएं और उस काढ़े को तकरीबन 30 से 40 ml की मात्रा में दिन में एक बार 3 से 4 दिन लें। इस तरीके से जब वो खरेटी की जड़ की छाल का प्रयोग करेंगे तो वो देखेंगे कि उनकी यूरिन में आने वाला जो ब्लड है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपके शरीर में किसी तरीके से कमजोरी रहती है, आपकी पीठ में कमर में दर्द रहता है, या आप अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर मानते हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में जल्दी थक जाते हैं, उस दशा में भी आप खरेटी के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, आप खरेटी के थोड़े बीज ले लें और उन्हें तवे पर हल्की आंच पर भून लें। जब वो थोड़े करारे हो जाएं, थोड़े सिक जाएं, फिर उन्हें उतारें और किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें। दिन में एक बार आप उन भुने हुए बीजों को 5 ग्राम की मात्रा में उनका सेवन करें। इस तरीके से जब आप रेगुलर खरेटी के इन भुने बीजों का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपके शरीर में क्षमता है वो बढ़ने लगी है, जो आपको जल्दी जल्दी किसी भी काम को करने पर थकान होने लगती थी वो ख़त्म हो गई है। साथ ही साथ वो लोग जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जो काफ़ी देर बैठ कर काम करते हैं, उनको भी खरेटी के ये बीज उनके दर्द से निजात दिला सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद इसका एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक इस्तेमाल, जिसकी वजह से आयुर्वेद में इसे एक दिव्य औषधि का स्थान प्राप्त है। अब वो क्या है कि चाहे पुरुष हो या महिला, जिनमें भी इनफर्टिलिटी है, यदि पुरुष हैं तो उनमें नपुंसकता देखने को मिल रही है, या महिलाएं हैं तो उनमें बांझपन देखने को मिल रहा है, वो दोनों ही लोग इसका प्रयोग करके अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर बात करें पहले पुरुषों की, तो पुरुषों को क्या करना चाहिए, वो इसके बीज लें तकरीबन 4 से 5 ग्राम की मात्रा में। उस 5 ग्राम बीज को वो गाय के दूध के साथ मिश्री मिलाकर पिए। आप ध्यान रखें कि आपको शक्कर या चीनी का प्रयोग नहीं करना है। तो यदि आप नपुंसकता से जूझ रहे हैं तो आप इन खरेटी के बीज 4 ग्राम की मात्रा में गाय का दूध मिश्री मिलाकर इसका सेवन करें। नियमित रूप से जब आप इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका वीर्य है वो न सिर्फ गाढ़ा होने लगा है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ इम्प्रूव होने लगी है। तो इस तरीके से पुरुष इसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि महिलाएं बांझपन से जूझ रही हैं तो वो इन्हें इनका प्रयोग थोड़ा सा बदल के करना है। वो इन बीजों को समान मात्रा में नाग केसर के साथ मिला लें, दोनों को मिलाकर कूट पीस लें और उसका एक चूर्ण बना लें। वो चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने दूध के साथ रात को सोते समय इसका सेवन करें। लेकिन उनको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इस दूध का सेवन उन्हें जो शुरू करना है वो अपने मासिक धर्म के खत्म होने के बाद करना है। जैसे ही आपके पीरियड कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप नाग केसर और इस खरेटी के बीजों का मिश्रण लें, उसका चूर्ण बनाएं और प्रतिदिन सोते समय 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन करें।
आप लगातार जब इसका सेवन करेंगे तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपकी ये बांझपन दूर हो गया है और आप भी बेबी कंसीव कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमने अभी रिसेंटली एक और वीडियो डाली है कुछ ही दिन पहले, जिसमें हमने बीज बंद का प्रयोग करके महिलाओं की जो फर्टिलिटी पावर है उसको बूस्ट करने का एक फॉर्मूला बताया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, इसी तरह से यदि आप बीज बंद या कोई भी जड़ी बूटी घर बैठे पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.jadibootistore.com पर लॉगिन करें और घर बैठे पाएं कोई भी जड़ी बूटी। दोस्तों, आशा करता हूं कि जड़ी बूटी परिवार जो प्रयास कर रहा है, जिसमें आपको नई नई हर्ब्स उनके प्रयोग बताता है, ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।